रेल हादसे में किस तरह की घटना हुई और कैसे आप यहाँ पर पहुँचे? सर तो हम ये चार लोग देखे हैं, बाकी बात हम देख नहीं पाए। हम तो इसी मॉल बोल रहे हैं, उठान बैठान करने, पानी तानी पिलाने में, सेवा वा करने में रहेंगे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? बिहार मुंगेर जिला से जो है ना, आनंद विहार जा रहे थे, मालदेश। सही, ये कायम बैठा था जो बच्चा? जर्नल में थे सर। नहीं, कहाँ पर था ये? इंजन के पास? इंजन के ब्लॉक वाले में थे। मालवाहक डब्बे में बैठा रखा? हाँ, उसी में। कितनी सवारियाँ रही होंगी उसमें? 30-40-50 के लपेट में थे। तो सबसे ज्यादा उसी घायल हुए? उसी घायल ज्यादा हुआ, और बाकी बस चार को तो उसी जगह मर गया। अच्छा, तो इनको वहाँ पर तुरंत लाया गया था यहाँ पर कि कहीं कोई देर हुई थी? वहाँ गए तो कुछ आधा घंटे बाद मतलब गाड़ी आया सरकारी, तो उठा ले गया वहाँ। आधा घंटा पड़े रहे? हाँ, आधा घंटा। अच्छा, और इनके माता पिता को? उसका माता पिता तो पानी तानी दिए, धौस किए, तो उसका वहाँ भर्ती कर दिए, बाकी बात वहाँ तो रेफर कर दिया थे। हाँ। यहाँ पर कैसी हालत है अभी? कुछ अभी सर ने देखे हैं, कहीं कोई देखा नहीं अभी? सही ना, हम तो भर्ती किए, उसका बात तक नहीं देखे। डॉक्टरों ने कुछ बताया नहीं? नहीं सर, कुछ नहीं बताया। रायबरेली रेल हादसे में कितने घायल आपके यहाँ पे पहुँचे हैं और किस तरह के इलाज हो रहा है? हमारे पास एक बच्चा आया है 8 साल का, और उसके माता पिता भी पता लगा कि इसी हादसे में उनकी मौत हो गई है, तो उसके चाचा उसको लेके आए, लेकिन उसकी हालत काफ़ी गंभीर है। बल्कि जब आया था तो ना पल्स ना बीपी कुछ था उसका, तो हमने उसको वेंटिलेटर पे लिया है, और अभी उसका पल्स बीपी तो ठीक है, लेकिन हालत बहुत ही क्रिटिकल है उसकी। इस हादसे को देख करके किस तरह की तैयारियां हैं अपने यहाँ? हमारे यहाँ एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल है, तो उसमें हम लोग ने 20 बेड एक साथ, अगर 20 लोग एक आ जाए तो उनके लिए वेंटिलेटर और दवाएँ, IV फ्लूड, ये सब की व्यवस्था है। तो हम लोग पूरे तैयार थे सुबह जब हम लोगों को खबर मिली, और KGMC से भी हम लोगों ने कोऑर्डिनेट किया था, तो हम लोग पूरी तरह से तैयार थे इसके लिए।